हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन का पूरी तरीके से ग्रुप डी एग्जाम का फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है कि आपको पीटी मतलब फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो पूरी तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल यहाँ पे कुल कितनी सीट है, ठीक है, 2019 जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, ग्रुप डी की कितनी सीट है, कितने फॉर्म यहाँ से फिलअप किए गए हैं, पर सीट पे कितना कंपटीशन है, कितने कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज टोटल कुल कितनी सीट है, एक्स सर्विसमैन का भी हम पूरा डेटा देखेंगे। और इस आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की। देखिए, कोलकाता में दो जोन है, एक तो आपका हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे, एक आपका ईस्टर्न रेलवे। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे सीट काफी ज्यादा है, काफी सीट ज्यादा है, 10,000 प्लस सीट है, ठीक है। तो टोटल इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके कह रहे थे सर इसका एक्सपेक्टेड पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या जाएगा, एक वीडियो बना दीजिए रेलवे कोलकाता के। तो यहाँ पे ग्रुप डी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से जो सीट है वो 10,873 सीट है। कितनी है? 10,873, जो कि बहुत ज्यादा सीट है, ठीक है, 10,000 समथिंग प्लस सीट है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीट थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सभी कैंडिडेट ये समझ कर बैठते हैं कि मैंने 10,000 फॉर्म के लिए 10,000 वैकेंसी के लिए कोलकाता जोन से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो ये धोखे में ना रहे क्योंकि अगर आप यूआर से हैं, जनरल से हैं, तो आप मात्र 49 से 26 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी होने के कारण आपको 2619 सीट यहाँ पर है, इतने ही सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, ये 10,000 के बहकावे में मत जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का 1087 सीट है, एसटी कैंडिडेट का 1461 सीट है, और एसटी कैंडिडेट ने टोटल मतलब यहाँ से टोटल सीट जो अलॉट की गई एसटी कैंडिडेट का वो 775 है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपकी कैटेगरी में टोटल कितनी सीट है, कितनी सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इन सब के साथ साथ एक्स सर्विसमैन जो पूरी तरीके से डेटा बताया नहीं गया है, इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी शामिल है, 2175 सीट है, और सीसीएए का ये 2175 सीट इसमें भी है, ठीक है। ये टोटल कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीट है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, ठीक है। अब जानते हैं टोटल यहाँ से कितने फॉर्म, कितने कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्हीं फॉर्म के आधार पर, फॉर्म फिलअप मतलब कैंडिडेट की संख्या के आधार पर सीट कंपटीशन डिसाइड होता है, ठीक है, क्या मेरिट जाने वाली है, बहुत सारा डेटा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ से बात करें टोटल अप्लाई कैंडिडेट जो आरटीआई का जो डेटा मिला हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरीके से 11,00,000, ठीक है, 22,096 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। अब इतने कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो इतने कैंडिडेट तो एग्जाम दिए नहीं होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 2019 में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्टेड हो गए होंगे, जॉब लग गई होगी, कोई सरकारी कोई प्राइवेट कहीं ना कहीं सेटल हो गया होगा, कितने कैंडिडेट की तैयारी नहीं रही होगी, वो एग्जाम स्किप कर दिए होंगे, और कितने कैंडिडेट तो वैसे फॉर्म भर देते हैं कि हाँ चलो यार रेलवे में भर्ती आई है, तुरंत डालो फॉर्म देखा जाएगा, तो उनकी तैयारी रहती नहीं है, वो पूरी तरीके से बाहर समझिए। और जहाँ तक जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जब एग्जाम पूरी तरीके से फाइनल होता है तो दूसरे दिन पेपर में दे देता है कि 52% रेलवे खुद ही पेपर में दे देता है कि लगभग 52% बच्चों ने एग्जाम दिया, 55%, 60% उपस्थिति रही, 70% उपस्थिति रही। तो जो पूरा डेटा जो कलेक्ट किया गया है यहाँ से, टोटल 60% कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम दिया है, एग्जाम के लिए बैठे हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, ठीक है। तो 11,22,096 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 60% कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठे थे। तो टोटल 60% कितना होना चाहिए, तो टोटल 60% आपका हो रहा है 6,73,000, ठीक है, 6,73,257 कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पर सीट कंपटीशन क्या तब रहेगी, जब कैंडिडेट कम हो गए तो फिर पर सीट कंपटीशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी अभी तो 11,00,000 था तो काफ़ी हाई था, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट की संख्या कम हुई पर सीट कंपटीशन भी कम हो गया। तो टोटल पर सीट पे अब कितना कंपटीशन है, मतलब एक सीट पे कितने बच्चे खड़े हैं इस जॉब को लेने के लिए आरआरबी ग्रुप डी का। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल मान लीजिए कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम दिया हुआ है, टोटल सीट यहाँ पे आपकी है 10,873। अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका टोटल आ रहा है 61 कैंडिडेट आपके आ रहा है, मतलब एक सीट पे आपका पर सीट कंपटीशन मात्र 61 बच्चे हैं, मात्र 61, मतलब यहाँ से कंपटीशन ना के बराबर है, एक सीट पे 61 बच्चे बहुत कम है, किसी किसी जोन में 180 है, 200 है, किसी में 120 है, यहाँ पे मात्र 61 सीट पर एक सीट पे 61 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, फाइट करेंगे एक सीट के लिए, 61 बच्चे कंपटीशन में है, ठीक है, पूरी तरीके से पर सीट कंपटीशन 61 कैंडिडेट है, ठीक है, एक सीट के लिए। अब
ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपका पर सीट कंपटीशन अगर कम है तो आपका जो मेरिट है वो पूरी तरीके से कम जाएगा फाइनल एफेक्टेड कट ऑफ पीटी के लिए। अगर कंपटीशन ज़्यादा रहता है तो आपका कट ऑफ हाई जाने का चांस रहता है। तो पूरी तरीके से यहाँ क्या जाने वाला है आपका पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पहले ये बात कर लेते हैं कि पीटी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो रेलवे ने पहले क्या रखा है कि टोटल हम 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे पीटी के लिए। तो पीटी के लिए पीटी रिजल्ट कितना आरआरटी देगा मतलब आरआरसी देगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल वैकेंसी का। 3 3 9 3 7 21 2 3 8 24 2 26 और 3 1 3 तो टोटल आपका 32,619 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे आपके पीटी एग्जाम के लिए। आपके 32,619 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे पीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतने कैंडिडेट अगर बुलाया जा रहा है तो पूरी तरीके से फाइनल मेरिट आपकी क्या रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का पूरा मेरिट बताता हूँ। तो प्रीवियस ईयर में जो मेरिट बना था पीटी के लिए वो पूरी तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर हुआ था। उस समय नॉर्मलाइजेशन स्कोर था, ठीक है, मतलब पूरा रॉ मार्क्स आपका आता था, फिर नॉर्मलाइज आप उसी मार्क्स को किया जाता था। उसमें कई कैंडिडेट के 10 मार्क्स, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 15 मार्क्स बढ़ जाते थे और इसमें बहुत सारे विवाद भी थे, कई कैंडिडेट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो नॉर्मलाइजेशन पिछली बात था और उसी आधार पर पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और उसी मार्क्स पर पूरी मेरिट बनी थी। लेकिन अब की बार नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया, ठीक है, अब की बार परसेंटाइल स्कोर के आधार पर किया गया है। तो प्रीवियस ईयर में आपका कितना गया था पूरा फाइनल मेरिट, तो प्रीवियस ईयर में जनरल के लिए 100 में 80.57 गया था, ठीक है, काफ़ी हाई गया था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, 80 नंबर समझ लीजिए गया था। और ओबीसी की बात करें तो 71.77 गया था, एससी का 71.60, मतलब ओबीसी के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। एसटी कैंडिडेट का आपका गया था 55.76 मार्क्स गया था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का उस समय पता ही नहीं था, ठीक है। जनरल कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन की बात करें तो जनरल कैंडिडेट का 100 में मात्र 40.01, ओबीसी का 30.166, एससी का 30.70 गया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पे गया था आपका पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर मतलब 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था। अब पूरा आपका फाइनल इस बार 2022 में क्या मेरिट रहने वाला है, ठीक है, चलिए उसको बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर रॉ मार्क्स बताऊंगा, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि पूरा डेटा आरआरबी के पास है कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट में कितने कैंडिडेट, सेकंड शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कैसे हैं। तो ये परसेंटाइल डेटा जो रहेगा ये आरआरबी ही निकाल सकती है, उसी के पास पूरा डेटा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रॉ मार्क्स बताऊंगा, अगर आपके 100 में अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपके रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, ठीक है, तो 100 में आपके रॉ मार्क्स कितने रहने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल कैंडिडेट का, तो जनरल कैंडिडेट का अगर यहाँ से अब की बार, ठीक है, 62 से लेकर 65 के बीच में अगर मार्क्स हैं आपके तो आप पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट 61 से 64 मार्क्स के बीच में आपके पूरी तरीके से रॉ मार्क्स रहने चाहिए कि आपका परसेंटाइल होने के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मार्क्स अब की बार यहाँ से 59 से 62 नंबर के बीच में आपके रहने वाले हैं पूरी तरीके से। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 55 से आपके 58 नंबर के बीच में रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 51 से 54 नंबर के बीच में आपके रहने वाले हैं पूरी तरीके से। अगर आपके मार्क्स एसटी कैंडिडेट है 51 से 54 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के आधार पे परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपकी बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया, परसेंटाइल जब किया जाएगा आपका पूरा रॉ मार्क्स, तो उस आधार पे आपका अगर एसटी कैंडिडेट 51 से 54 नंबर के बीच में है तो मार्क्स बढ़ेंगे और आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे अपने फिजिकल एग्जाम के लिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के मार्क्स यही रहने वाले, अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन का, क्योंकि एक्स सर्विसमैन इंपॉर्टेंट है, 2175 सीट है, बहुत सारे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के कमिट करते हैं, सर मेरा नहीं बताया, तो आज के वीडियो में उनके भी बारे में पूरी तरीके से बात होगी। तो एक्स सर्विसमैन के जो पूरी तरीके से रॉ मार्क्स रहने वाले हैं 100 में आउट ऑफ 100 में, अगर आपके मार्क्स 36 से लेके, ठीक है, 38 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, परसेंटाइल मार्क्स होने के बाद बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे अपने फिजिकल एग्जाम के लिए। ओबीसी की बात करें तो 33 से 35 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। और एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट अगर 29 से 32 नंबर के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करें 26 से लेके 30 नंबर के बीच में अगर आप तैयार हैं मार्क्स तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो 31 से लेके, ठीक है, 31 से लेके 34 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं एक्स सर्विस मैन वाले, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आरआरबी
आरआरबी कोलकाता जोन से, ईस्टर्न रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की बात कोलकाता की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपने एग्जाम दिया हुआ है, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आप सेफ हैं, आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ईस्टर्न रेलवे से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी अगर माइंड में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। आपके पूरी तरीके से फाइनल मेरिट आपकी यही जाने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय।